हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी गाइस बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का दोस्तों अपने एक ही वर्ल्ड की नई और फ्रेश वीडियो में। और जैसे कि हमने पिछले वीडियोस के अंदर कुछ दोस्तों देखा होगा, मैंने अपनी मॉम का रूम भी दिखाया, ठीक है। और तो और मैंने और क्या क्या दिखाया था भाई, मैंने एक ईद वाली वीडियो डाली थी वो, ठीक है। बाकी कंटेंट जो है दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज भाई क्वालिटी कंटेंट नहीं ला रहे हो। अब बेसिकली क्वालिटी कंटेंट किस चीज़ को कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं, अब इस वीडियो की आप क्वालिटी देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा ओपी है, ठीक है ना। बट बेसिकली इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने कैमरा से, ठीक है। बाकी मैं अपने फ़ोन से ही ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, तो बेसिकली कोई फ़ोन मैं अच्छा सा लूँगा, क्योंकि गाइज यार कैमरा से ना रिकॉर्ड करना, मैं आपको बताऊँ, मेनली बहुत मुश्किल टास्क है, ठीक है, इसको कैरी करना हर जगह। और इस टाइप की क्वालिटी नॉर्मल लेंस नहीं देता है, प्राइम लेंस ही देता है। तो प्राइम लेंस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है भाई। और प्राइम लेंस की ज़रूरत पड़ती है तो 50mm का है ये, इतनी दूरी पर बैठना होता है, वरना तो फिर वही हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, अगर आपको इसी टाइप के कंटेंट से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए, व्लॉग्स चाहिए, तो बता देना, तुम्हारा भाई ऐसे भी डाल ही देगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो डेडिकेटेड होगी दोस्तों मेरे पीसी के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे लोगों के देखो सवाल हैं, मिथ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब बेसिकली मैं सबके सवालों के एक एक जवाब तो दोस्तों नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं यार, और बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल पूछते हैं, कौन सा प्रोसेसर है, कितने GB रैम है, कौन सी पावर सप्लाई है, कैबिनेट कौन सा है, वायर्स कौन से लगाई हैं, ये जो PSU केबल्स वगैरह होती हैं, बेसिकली ये जो PSU केबल्स वगैरह होती हैं, जस्ट मैं आपको बताऊं, आपके PC के ऊपर एक ऐसा प्रभाव डालती हैं। बेसिकली अगर नॉर्मली मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर कॉस्मेटिक के लिए होती है बस, थोड़ा अच्छा दिखता है, वरना जो पावर सप्लाई की केबल्स होती हैं आप उनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बस शोशेबाजी होती है भाई, बस थोड़ी बहुत हो जाती है कभी ना कभी, ठीक है। बाकी यही है, और ज़्यादा कोई सीन नहीं है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर दूसरी चीज़ दोस्तों जो हैमर निकल कर आती है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आरिश भाई, आपको जो PC था आपने कब बनाया था, और आपने अभी तक अपने एक ही टेक्निकल पॉइंट पे वीडियोज़ इसके बारे में पोस्ट क्यों नहीं की। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि PC तो देखो कम्प्लीट हो गया था, वहाँ पर गेम प्लेस वगैरह डलते हैं, और मैं उसके गेम प्लेस चल रहे हैं, तो मैं उनको कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूँ, बस वो चल रहे हैं तो चलते रहें। जो टेक वीडियोज़ हैं, जो ऐसा मैं कौन से कंपोनेंट्स वगैरह यूज़ करता हूँ, तो इन सब से रिलेटेड जो मैं वीडियोस वगैरह डालूंगा वो मैं अपने एक ही वर्ल्ड पे डालूंगा, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है मेरा चैनल, ठीक है। तो मैं इसी से रिलेटेड लेकर चलूँगा, मेरी लाइफस्टाइल से और मेरे व्लॉग से, और जो मैं कंपोनेंट्स वगैरह यहाँ पर यूज़ करता हूँ और जो मैंने अपने PC में यूज़ किए हैं, सब कुछ बताने के लिए A to Z दोस्तों, ठीक है। बाकी ये रेनबो मोड पर नहीं चल रहा है इस टाइम, PC रेनबो मोड पर भी चलता है, ठीक है। और मेरे रूम का टूर तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, अभी एक अच्छा सा टूर देना बाकी, क्योंकि अभी मेरा एक और गोल्ड प्ले बटन जो है दोस्तों वो आने वाला है, जो आरिश खान का 1 मिलियन वहाँ पर क्रॉस हो गए थे। फिलहाल एक ही टेक्निकल पॉइंट का ये, ठीक है, एक ही वर्ल्ड का भी जल्दी आ जाए तो मेरे पास 5-5 यूट्यूब बटन्स हो जाएंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों रही बात PC की, तो चलिए हम PC की यहाँ पर बातें कर लेते हैं। तो PC से रिलेटेड अगर मैं देखो दोस्तों यहाँ पर बात करूँ, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊँ, नवंबर से या शायद दिसंबर से मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ दोस्तों खुद मंगाई थी, और मुझे एक एक चीज़ का प्राइस दोस्तों यहाँ पर डबल देना पड़ा है, मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा देना पड़ा मुझे। देखो कैबिनेट मैंने, आप AJ गेमिंग को तो जानते होंगे, अनमोल जायसवाल को जानते होंगे, इंडियन बैकपैकर को, जो मेरा दोस्त है काफ़ी अच्छा, तो उससे मैंने यहाँ पर कुछ बातचीत की थी, ठीक है दोस्तों। तो उसका एक स्टोर था, मैंने वहाँ से मंगवाया था ये कैबिनेट, और एक लिक्विड कूलर मैंने उससे मंगवाया था, ठीक है। ये कैबिनेट उसी ने दिया था मुझे, और लिक्विड कूलर, ठीक है। लिक्विड कूलर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, जो कि आता है ऑरस का, जिसके अंदर डिस्प्ले भी आती है, जो 360 का आता है, ठीक है, 360 ml वाला आता है शायद ही, इसमें 3 फैंस होते हैं, ठीक है। बाकी अच्छा है, मैं इतनी बुराई नहीं करूँगा, बट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं कर पाता है प्रोसेसर को। अब मुझे नहीं पता, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो प्रोसेसर है वही बहुत ज़्यादा गर्म चलता है, शायद ऐसा हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं।
जो मुझे लगता है दोस्तों, देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे दूसरी कोई मैं चीज़ों की बात करूँ और कैबिनेट वगैरह की, तो मैंने उससे ली थी, ठीक है। बाकी मैं मदरबोर्ड की बात करूँ, यहाँ पर Z490 है शायद, ये G2 एडिशन है समुराई वाला दोस्तों, एकदम लेटेस्ट। और ये इंडिया में बेसिकली मैं ही हूँ और एक बंदा और है जिसने इसका रिव्यू कर रखा है, वरना किसी के पास नहीं है, ठीक है। लिमिटेड एडिशन है दोस्तों, जो तुम्हारे भाई के पास आया था G2 एडिशन वाला, ठीक है। बाकी प्रोसेसर है i9 1085K या 10850K i9, ठीक है। ये 10900K नहीं है, एक आता है 10900, एक आता है 10850, 900 वाला नहीं है, 850 के वाला है, ये भी अनलॉक है। वो ये 5.1 या 2 गीगाहर्ट्ज़ पे जाता है, सॉरी 5.1 पे जाता है, वो 5.2 पे टर्बो मारता है, ठीक है। बस ये है एक चीज़, ठीक है। इसके अंदर मैंने एनटेक की पावर सप्लाई लगा रखी, जो कि गोल्ड वाली आती है और ये फुली मॉड्यूलर है, ठीक है। इसके अंदर आप जोन से आपको यहाँ पर केबल वगैरह लगानी है वो लगा सकते हो। हाई करंट है, सॉरी हाई करंट नहीं, हाई गेमर है शायद, यहाँ हाई गेमर वाली प्योर गोल्ड में है, ठीक है दोस्तों। बाकी रैम की बात की जाए तो मैंने जी स्किल की इसके अंदर रैम लगा रखी है। इनकी स्पीड 3600 MHz हैं, 3600 MHz पे रैम चलती है मेरी। 32 GB रैम है मेरे पीसी के अंदर, फुली RGB वाली, ठीक है। और ग्राफिक्स कार्ड की यहाँ पर बात करें, जो कि मेन गेमिंग का काम करता है, वो है दोस्तों RTX 3070 ऑरस का, जिसके अंदर डिस्प्ले भी आती है दोस्तों, डिस्प्ले वाला एडिशन है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, डिस्प्ले वाला एडिशन है RTX 3070, और काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, बहुत अच्छी गेमिंग के अंदर ये दोस्तों परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पर मुझे दे देता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी टेम्परेचर वगैरह तो यही जो लिक्विड कूलर है वही बता देता है। मदरबोर्ड भी काफ़ी अच्छा है इसके अंदर, डायरेक्ट टच पाइप्स वगैरह इसके अंदर यूज़ किए गए हैं कॉपर के, जो कि हीट को थोड़ा वही करते हैं। और SSD लगी हुई इसके अंदर दोस्तों, 1 TB इसके अंदर HDD है, यानी कि हार्ड ड्राइव आप जिसको बोल सकते हो। CD प्लेयर तो आजकल खैर कोई लगाता ही नहीं, वही है। और जो इसके अंदर मैंने यूज़ किए हैं डीप कूल की RGB केबल्स जो आती हैं, स्ट्रिप लाइट आप जिसको बोलते हो, इसके चारों ओर लगा रखे, तो इससे क्या होता है एकदम ये जो आप पिंक सा शेड देख पा रहे हो ना, पर्पल सा, ये उसी से बना हुआ है, वरना बनता ना भाई ये, ठीक है। और प्लस उसके बाद अगर हम यहाँ पे किसी चीज़ की दोस्तों बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो है इसके जो केबल्स हैं, एक तो दो केबल्स आते हैं, एक तो मदरबोर्ड में जो 26 पिन्स का आता है, 32 पिन्स का आता है, आई डोंट नो, ठीक है भैया है। और जो दो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर लगते हैं, वो दोनों RGB, आप सभी लोग यहाँ पीछे देख पा रहे हो, दोनों RGB हैं, ठीक है। और बाकी बस यार यही है, बीस पीसी मेरा 2K मॉनिटर है, 144Hz के दोनों, एक 32 इंच है वो 244Hz का साइड वाला, वो 28 इंच है, जी हाँ। बाकी मैं HyperX सोलो कास्ट जो है माइक यूज़ करता हूँ, और मेरे पास Logitech का माउस है, और कीबोर्ड की कंपनी आई डोंट नो। बाकी दोनों मॉनिटर्स मेरे LG के हैं, और भी जितनी भी और ये जानकारी है मैं आने वाले कुछ व्लॉग्स में आपको बताऊँगा। फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही, मैंने अपने PC की जितनी भी दोस्तों स्पेसिफिकेशंस वगैरह थी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आशा रखता हूँ कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। बाकी यार सब कुछ सही है, सही चल रहा है, ठीक है। बाकी आप बताना मेरे को कमेंट करके आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या आरिश भाई ठीक था या फिर जो भी आपका कहना है, प्लीज एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर से बता सकते हैं। आशा रखता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस टाइप की और वीडियोज देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर से बता देंगे, ठीक है। मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, यार मॉनिटर्स बंद हो गए, स्टे होम स्टे सेफ, बाय।